तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग पर। अभी हुई है सुबह, ठीक है, 6 बजे से क्लास था, पढ़ा दिया है। अभी 8 बजे से अगला क्लास है, ठीक है, लेकिन उससे पहले बीच में 15 मिनट का ब्रेक मिल गया है और थोड़ी थोड़ी सी बूंदें गिर रही हैं, ठीक है। अगर बूंदें हम आपको दिखाएं, शायद कैमरे में ना दिख रही हूँ, लेकिन फील करवाते, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, तो बहुत छोटी छोटी सी बूंदें अभी गिर रही हैं। मौसम का मज़ा ले रहे हैं, छत पर हैं, ठीक है। और वैसे हमारी छत से सूरज जो निकलता है वो बहुत प्यारा दिखाई देता है, आपको ऊपर ले चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में आज मौसम ख़राब है तो आज सूरज नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कोई टेंशन नहीं है सर, इस ब्लॉग को शुरू कर दिया है रैंडमली, ठीक है सर। और आज जो हम लोग गिम्बल का भी यूज़ करने वाले हैं, अभी तो फिलहाल हमने ऐसे ही रैंडमली शुरू कर दिया। तो ये देखिए कितनी गजब की लोकेशंस हैं, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। और ये देखिए झंडे से आपको लग रहा होगा कितनी मस्त हवा चल रही है सर, ठीक है, मीठी मीठी सी हवा चल रही है, मौसम बहुत बेहतरीन और हल्का हल्का सा पानी। ये देखिए पानी अगर हम आपको दिखाएं, ये देखिए टंकी पे पड़ा हुआ आपको दिख रहा होगा कि पानी भी बहुत तेज़ी से नहीं, लेकिन मीठा मीठा पानी, मीठी मीठी हवा। चलिए चलते हैं नीचे, अगर कुछ खाने पीने को मिल जाएगा तो खा लेंगे, वरना फिर 8 बजे से क्लास है, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 7:45। चलिए बने रहिए। आ गए हैं नीचे, ठीक है, लगभग 10-15 मिनट हैं, इधर है मम्मी और चश्मा वश्मा लगा के जो है सिल रही हैं बिस्तर को, ठीक है। लेकिन अभी जो है काफ़ी गालियां मिल गई सुनने, क्योंकि सारा सामान पड़ा हुआ था नीचे, लेकिन अब कैमरे पे जो है वो गालियां दूर हो गई हैं। चलिए खैर बने रहिए, अभी क्लास वगैरह है, पढ़ाएंगे फिर आपसे मिलेंगे। यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, और पीछे जो है अपने क्लास में प्लास्टर चल रहा है, छत वगैरह पीछे वाली हो गई है, और अभी जो है गर्मी बहुत बिकट है, दीवार बनाई जा रही है, ये सारी चीजें अभी बची हुई हैं, लेकिन कुल मिला के पीछे वाले पोर्शन में तो अभी दो टाइम, इधर मामा हैं और इधर सेकंड मिस्त्री हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन। लेकिन मामा ने पूरी दीवार अंधाधुंध तरीके से पोत दी है। आपको 40 साल हो गए वहां काम करते हुए, एक तरफ 40 सालों का अनुभव और एक तरफ दो युवा जोश। लेकिन तो दोस्तों फिलहाल अभी एक जाली लेनी है, ठीक है, चलते हैं जाली लेने, इसीलिए कहते हैं कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। मामा को हो गए हैं टोटल 40 साल, उन्होंने अंधाधुंध तरीके से 5 मिनट के अंदर पूरी दीवार पोत के रख दी, ठीक है, जबकि बाकी दो लोग और भी साथ में कर रहे थे। तो फिलहाल चलिए लेते हैं जाली वगैरह, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल जाली हमने ले ली है, अब चलते हैं घर। तो ये है कासिम भाई, 125 बोरी अंधाधुंध तरीके से रेता लिया, पूरा ने चट्टा लगा दिया और अभी कह रहे और रेता लेके आए हैं, और बना। कितने मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। चलिए चलते हैं फिलहाल घर। अभी दोस्तों फाइनली आ गए हैं घर पर, ठीक है, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, ठीक है सर। ये देखिए एक नोट अभी हम लेके गए थे, इसमें स्टेपलर लगाए हैं किसी ने, कोई काबिल है, ठीक है, उसने स्टेपलर लगा दिए हैं नोट में। अब एक्चुअल में इसमें टेप लगा सकते थे, चिपका सकते थे, ये नोट नहीं चला, तो मेरे पास और पैसे थे, वरना हम खाली अगर ये नोट लेके गए होते, कीले लेनी थी कुल मिला के, जाली वगैरह ले ली थी आपने देखा पीछे, तो फिर हम क्या करते हैं वहाँ पर। तो कुछ लोग ये देखिए ऐसे होशियार होते हैं, देखिए स्टेपलर लगा दिया। तो चलिए खैर फिलहाल अभी आ गए घर पर, भूख लगी हुई है बहुत तेज, लगभग 10:30 बज गया, 10 बजे वाले क्लास की छुट्टी भी करनी पड़ गई क्योंकि जाना पड़ा था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद चाय लेके चलेंगे उधर। चलिए तो दोस्तों अभी बहुत तेज भूख लगी हुई थी, तो मम्मी ने कहा चलिए पूरा खाना परोस देते हैं, तो मम्मी ने बनाया दाल चावल भिंडी और पराठे, ठीक है सर, चलिए खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं सर उधर। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और आज जो है चाय के साथ में एक है ये नई तरीके की वेराइटी आलू लच्छा, इसे खा के देखेंगे। और ये तो मोरेनो है अपना पुराना, ठीक है मामा। तो चलिए चाय वगैरह पी लेते हैं फिर चलते हैं घर। तो अभी फिलहाल आ गए हैं दोस्तों घर पर, ठीक है, अभी आज लाइट नहीं आ रही, तो देखिए बिल्कुल अगर हम इस अंदर वाले जीने से जाते हैं तो बिल्कुल अंधेरा, देखिए शक्ल ही गायब हो गई होगी सर, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब आ गए हैं यहाँ रूम में, ठीक है, और एक्चुअल में लाइट जल जाएगी, इन्वर्टर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी लाइट नहीं आ रही, ठीक है। तो चलिए अभी फाइनली बज गया है 11:20, अब थोड़ा सा बैठते हैं, थोड़ा सा कंटेंट पर काम करना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो निकालनी है, काफ़ी सारी चीज़ें रेडी करनी है, और अब क्लास है 1 बजे। चलिए बने रहिए फिर मिलते हैं आपसे। भैया फाइनली शाम आज साथ में है अनुकल भाई, ठीक है, चलते हैं उधर फटाफट से चाय वगैरह देके फिर आपसे मिलते हैं। तो फिलहाल अभी ये पूरा एक पोर्शन हो गया है कंप्लीट, बाकी चीज़ें अभी रह गई हैं। चलिए चाय वगैरह पी लेते हैं फिर चलते हैं वापस, क्योंकि अभी और भी क्लास। तो अभी हो गई है शाम, ठीक है,
कैसे दिखाई, और पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे लग गई है बर्रियाँ बहुत सारी, और साथ में जो है पन्नी वगैरह भी उखड़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग आए हुए हैं जो बर्रिया वगैरह को, मतलब बर्रिया वगैरह को हटा के और उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर ईंटे पन्नी वगैरह ठोकने वाले। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मजा लेते हैं। फिलहाल बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं तो क्लासेस भी पहले जो बर्रिया जो है ये खत्म करी जाए। अरे बोदेव सुनो, जिससे तो बर्रिया चढ़ती है नहीं तो तो ऊपर लोग खड़े, जल्दी नीचे उतरो यार, और खाली टाइम खराब कर रहा। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं क्लास में, ठीक है, ये है 12th का क्लास, और यहाँ पर एक डेरिवेशन दिया गया है करने के लिए, जो व्यक्ति सबसे पहले करेगा उसे मिलेगा 100 रुपए का नगद गजा हुआ इनाम, गंजा हुआ है। ठीक है, देखते हैं पहले कौन कर पाता है, करने वाले का नाम पता चल जाएगा, थोड़ा बच्चे का प्रमोशन हो जाएगा। सबसे पहले सोनिका, दूसरे पे रजत भाई ने कहा, तीसरे पे आयुषी। सोनिका जी देखते हैं भाई इनका सही है कि नहीं, ये इनका डेरिवेशन है, चलिए देखते हैं फिर मिलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल नंबर 1 पर सोनिका, नंबर 2 पर रजत भाई और नंबर 3 पे आयुषी जी, इन तीनों लोगों को प्राइज दे दिया गया। चलिए अब चलते हैं आगे और सारे डेरिवेशन करते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी हो गई है शाम, अभी चाय वगैरह पी ली है, मम्मी भी यहीं पे बैठी हुई है और ये भी चाय वगैरह पी रही है, मस्त मजे ले रहे हैं। ठीक है सर, तो कुल मिला के अभी बज गया 7:30। अब मुंह वगैरह धोएंगे, वीडियोस वगैरह बनानी है क्योंकि 9 बजे पब्लिक करनी होती है। ठीक है सर, सब लोग चाय पीने। तो चलिए ये तो खाली अबाबाजी वाली बात है, ऐसे कौन चाय पी पाएगा। ठीक है, लेकिन खाली जब भी कभी चाय पीने का मन हो आप यहाँ आ सकते हैं, इसी को टेंशन की बात नहीं है। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद।